आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल। चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। दबंगों ने पैतृक संपत्ति पर किया जबरन कब्जा। अमेठी जनपद के ब्लॉक भादर के थाना रामगंज के गाजीपुर से आया है। गीता देवी के मायके में अकेले होने के कारण उनके माता पिता का स्वर्गवास होने के बाद जमीन का पूर्ण रूप से मालिकाना हक मिल गया था, लेकिन गीता देवी की ससुराल धम्मौर में है जहाँ उनका आना जाना धम्मौर लगा रहता था। उसी बीच में गीता देवी अपने ससुराल गई थी 25/7/21 को। गाजीपुर में रविंद्र शुक्ला ने गीता देवी के घर में ताला लगा दिया था, जिसकी सूचना थाना रामगंज में सूचना दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे संवाददाता संजय विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। मैं गीता तिवारी बोल रही हूँ, गांव गाजीपुर पोस्ट भादर से। साहब, मेरी सुनवाई नहीं की जा रही है। थाना रामगंज से मेरे घर में ताला लगा हुआ है। आज 3 दिन हो गया, मैं ससुराल से आई तो अपने आप देखी थी तो ताला लगा था। ताला कौन लगाया है? ताला राजेंद्र शुक्ला और राकेश शुक्ला, इन लोगों ने ताला लगा लिया। मैं ससुराल से आई, पता लगा ताला लगा था। बोले कि भैया ताला खोल दो, तो बोले हमारा घर है तुम्हारा नहीं है, यहाँ से भाग जाओ। अच्छा, घर किसका है? घर मेरे पिताजी का था, रामबली शुक्ला। वो मर चुके हैं इस समय। भाई बहन, भाई माता नहीं है, भैया भाभी भी नहीं है। पूरी विरासत मेरे नाम हुई है, इसलिए जबरदस्ती कब्जा दिखा रहे हैं। कौन दिखा रहा है? राजेंद्र शुक्ला, राकेश शुक्ला। इसकी शिकायत कहीं की आप? इतने रामगंज थाना में किए हैं साहब, उसने आज और कल कर रहे थे, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ताला नहीं तोड़ा। अब क्या करूं साहब, तो मैं विधवा हूं, किसके साथ जाऊं आऊं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं साहब गरीब हूं, क्या किया जाए। तो अब ये योगी सरकार से जो महिला सशक्तिकरण चला रहे हैं, तो इनसे क्या अपेक्षा करती हैं आप? अपेक्षा करती हूँ कि मेरा जगह जमीन जायदाद कागज पत्र सब मेरे नाम है, इसको देख लीजिए। अब आपसे विनती करती हूँ कि मेरा ताला खुलवा दीजिए। मारने पीटने की धमकी हमेशा देते हैं, मैं साहब क्या करूँ। अच्छा, कभी मारपीट हुई है कि नहीं? मारपीट तो नहीं हुई, हमेशा धमकी देते हैं, मार डालूँगा, काट डालूँगा। ससुराल से आओगी तो, ससुराल से आई तो बोले कि गोदा से मारूंगा, यहाँ से भाग जाओ। मतलब धमकी मिलती है आपको बराबर? बराबर धमकी साहब देते हैं। मैं कौन धमकी देता है? राजेंद्र शुक्ला, राकेश शुक्ला, उनकी पत्नी, उनके पूरे परिवार।